हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है कर्ली हेयर पे स्टेप्स कटिंग कैसे करनी चाहिए जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे। तो इनका हेयर की क्वालिटी आप देख ही सकते, बहुत ही हार्ड पफी एंड कर्ली टाइप का है पूरा। तो वीडियो में भी आप सबको दिखा देती हूँ, देखिए लेंथ भी ज़्यादा नहीं है और इसी पे जो है बिना छोटा के मुझे कटिंग करनी है। तो सबसे पहले बालों को अच्छे से गीला करना है और ये देखिए इस तरीके से उठा उठा के पूरा। और कभी भी जैसे कर्ली और वेवी टाइप का हेयर होता है तो उसको आप ज़्यादा गीला करें, ठीक है, और अच्छे से दबा दबा के कोमिंग करें ताकि थोड़ा सा सीधा हो जाए, से फिर हमें कटिंग करने में थोड़ी आसानी होगी। तो अब मैं क्या करूँगी, नीचे नीचे से जो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है ना, उसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से बराबर कर दे रही हूँ। तो कटिंग को ध्यान से देखना ताकि सारा प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ सके। और डिफरेंट तरीके से बताने वाली हूँ और किस तरीके से कर्ली बालों पे हमें गाइडलाइन रेडी करनी चाहिए वो अभी आपको बताऊँगी मैं। जैसे जैसे स्ट्रेट हेयर होते हैं तो उनमें हम अलग तरीके से करते हैं और कर्ली बालों पे थोड़ा सा अलग तरीके से करना होता है, क्योंकि जैसे सीधे बालों पे आप जहाँ से कट करोगे वो वहीं तक आएंगे, लेकिन कर्ली बालों की प्रॉब्लम ये होती ना कि वो ड्राई होने के बाद में थोड़ा सा ऊपर की तरफ वो चढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें कटिंग करनी होती है। तो ये देखिए मीडियम टाइप की लेयर को उठाना है और आप इस तरीके से देखिए शोल्डर के पास से थोड़ा नीचे करके इस तरीके से मेज़र करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेप्स है वो आएगा हमारे शोल्डर के पास से और वो चढ़ने के बाद हल्का सा ऊपर हो जाएगा। तो ये देखिए इसको जो है बराबर कट कर लेना है। ध्यान रहे कर्ली बालों पे कभी भी ऊपर वाला स्टेप्स ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, वरना वो अच्छा दिखने के बजाय और भी ज़्यादा बेकार दिखेगा। तो देखिए जो मैं कट की थी गाइडलाइन के लिए उसको मैं छोड़ दी हूँ। अब हम करेंगे जैसे मल्टी स्टेप्स कट करते समय हम बॉक्स पार्टिंग करते हैं, वैसे ही आपको उठाना है बालों को। ये देखिए इक्वल पार्टिंग कर लेंगे, तीनों तरफ से इक्वल हेयर को निकालना है। बहुत जल्दी फंसने भी लगते हैं इस टाइप के जो हेयर होते हैं। तो ऐसे आप क्या करेंगे कि आप चौड़ी कोम यूज़ करेंगे। पतली कोम में अगर हेयर फंसने लगता है, देखिए जैसे मैंने भी यहाँ पे कोम चेंज कर ली है, मैं चौड़ी कोम यूज़ कर रही हूँ और जो मुझे गाइडलाइन दिख रही है जस्ट उसी के बराबर ऐसा कट कर लेना है। ये देखिए फिर एक बार रीचेक कर लेंगे। और इस टाइप से कटिंग कर लेंगे। तो ये जो है हमारा जो बॉक्स एरिया है वो कट हो चुका है। अब इसे जो है आप ऐसे ही ओपन छोड़ देंगे और उसके बाद सीधी पार्टिंग करेंगे हाफ और पूरे बालों को अच्छे से सुलझा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ईयर टू ईयर पार्टिंग करके हेयर को सिक्योर कर देंगे। तो इधर भी सेम वैसे ही सेक्शन डिवाइड करके इसको मैं सिक्योर कर दूंगी। और ईयर टू ईयर का मतलब होता है एक कान से दूसरे कान तक। पार्टिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कहीं पर भी हेयर आपके आगे पीछे नहीं होने चाहिए। कुछ भी लगे तो आप उसको पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद ही सिक्योर करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आप काम करोगे आपका कटिंग उतना ही ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट होगा और देखने में बहुत सुंदर आएगा। फिर जो पीछे का हेयर बचा है उसमें आपको इस तरीके से मीडियम टाइप के लेयर उठाने हैं और ऊपर की तरफ जाना है। ध्यान रहे जब भी आप कर्ली वेवी हेयर पे कटिंग करते हो ना, तो आप कोई चौड़ी कोम थोड़ी सी यूज़ करेंगे, बहुत पतली कोम यूज़ करोगे तो हेयर फंसने लगता है। तो मैं भी देखिए चौड़ी कोम ही यूज़ कर रही हूँ और ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा लेके जाएंगे और अपनी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कट करेंगे। तो ये पहला वाला लेयर हो चुका है। यहाँ से फिर से एक गाइडलाइन के लिए थोड़े से हेयर को निकाली आगे वाले बाल पर मिक्स करना है। ऊपर की तरफ चलेंगे, ये देखिए कोमिंग आप जो है रूट से ही करेंगे ताकि हेयर कहीं भी छूटे ना। और ये देखिए फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। तो कर्ली हेयर पे ये कटिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक भी आता है। क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं तो उनके बालों पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना कि कौन सी कटिंग करें जो कि अच्छा लुक दे। तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स डालोगे तो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी हेयर जो है सूखने के बाद बहुत फूला फूला सा इन लोग का दिखता है। तो ऐसे बालों पे मीडियम टाइप का जो है स्टेप्स कट करें ताकि देखने में भी अच्छा लगे और ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो।
और हिसाब से स्टेप्स देने होते हैं, तो लंबे बालों पे जितना हो सके नीचे की तरफ ही स्टेप्स दें, ऊपर की तरफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि चढ़ा चढ़ा सा स्टेप्स ऊपर की तरफ रहता ना तो वो सुंदर नहीं दिखता। तो ध्यान रहे कि पहला वाला जो स्टेप्स है वो आपका शोल्डर के पास से ही होना चाहिए। तो देखिए मैंने इनका जो है 4 सेक्शन डिवाइड करके कटिंग कंप्लीट किया पीछे का, और हर एक लेयर की रीचेकिंग करते हुए चलेंगे। वैसे तो जैसे कर्ली वेवी हेयर होता है ना, तो उस पर आप लाइट लेयर कट, लेज़र कट या डीप यू या वी करते तो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर किसी की अपनी पसंद होती है। तो देखिए यहाँ से एक पतला लेयर मैं निकाल रही हूँ और आगे की तरफ लेके जाऊंगी, जो मैं कान के पास बालों को सिक्योर की थी उनको ओपन की और उसी के साथ में मिक्स करना है। अपोजिट डायरेक्शन में आपको खड़े होना है और बालों को बिल्कुल सीधा इस टाइप से थोड़ा सा डाउन करते हुए अपनी तरफ लेके आना है और ऐसा कट कर देना है गाइडलाइन के हिसाब से बराबर। तो जैसे सबकी अपनी पसंद होती है, जैसे इनको भी स्टेप्स का लुक चाहिए था, मैंने इनसे पूछा आपको क्या करवाना था, इनको भी यही था कि नहीं मुझे स्टेप्स कटिंग चाहिए। तो जैसे कर्ली बालों पे बहुत ज़्यादा जो है स्टेप्स डालने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम टाइप का ही आप स्टेप डालेंगे। तो देखिए इधर का भी सेम वैसे ही कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया है अभी पीछे का पूरा। तो बैक साइड से कटिंग कंप्लीट हो गई, अब सामने से करना। उसके लिए देखिए हेयर को मैं थोड़ा सा और गीला कर लूँगी ताकि मुझे मेज़र करने में आसानी हो और साथ ही साथ थोड़ा सा हेयर सीधा रहे। तो सबसे पहले कान के सामने से हेयर को मैं निकाल रही हूँ, दोनों तरफ इक्वल आपको निकाल लेना है और एक साथ में मिक्स कर लेना है। और कटिंग देखिएगा बहुत थोड़ी थोड़ी होगी, बहुत ही थोड़ी थोड़ी। तो थोड़ी थोड़ी कटिंग में भी आप बहुत अच्छा कट करके दे सकते हो, पूरे स्टेप्स का जो हमें चाहिए रहता पूरा लुक ला सकते हो। देखिए आपने लंबे बालों पे भी इस टाइप की कटिंग देखी हुई है, छोटे बालों पे भी देखा हुआ, और कर्ली हेयर पे भी आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छा लुक आएगा। इस टाइप से सेक्शन वाइज आपको डिवाइड कर लेना है, सामने की तरफ लाना है और इस टाइप से ना आपको ग्रिप करने के बाद में ये देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा सा कट हो रहा है। तो सबकी अपनी पसंद होती, जैसे इनको था कि नहीं स्टेप्स कट वाला लुक चाहिए। तो ध्यान रहे कि जब भी कर्ली हेयर वाला कोई भी आपके पास में आए और वो बोले कि स्टेप्स चाहिए, तो आप बहुत ज़्यादा स्टेप्स ना डालें, मीडियम स्टेप्स डालें ताकि लुक अच्छा है। ऑलरेडी सूखने के बाद में हेयर बहुत घने घने, बहुत फूले फूले से इस टाइप के लोगों के दिखते हैं, तो वैसे में और आप डबल स्टेप्स डाल दोगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मीडियम स्टेप्स ही बहुत ज़्यादा दिखने लगता है फिर, तो थोड़ा ही करें ताकि लुक अच्छा है। तो ये देखिए इस तरफ का भी सेम वैसे ही कर लेना है। तो आप लोगों ने देखा कि इनका यार बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, मीडियम टाइप का ही जो है लंबाई थी, और साथ ही साथ कर्ली भी है, थोड़ा फूला फूला टाइप का वेवी टाइप का भी हेयर है। तो उस पर मैं किस तरीके से कटिंग करके दे रही हूँ, तो ये देखिए इस टाइप से कर लेना है, कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में लेयर की मिक्सिंग कर दूंगी मैं। एक साथ में ग्रिप करेंगे, और ये चीज़ तो मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि कैसे करना रहता है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, और बराबर ही कट कर देना है। तो ये हो गया है, और अब मैं पीछे पीछे से पीछे हेयर को ले जाके थोड़ा सा नीचे नीचे से फिनिशिंग देने वाली हूँ। तो देखिए ऑलरेडी शेप तो इसमें आ चुका है, लेकिन फिनिशिंग देने से ये और अच्छा लगेगा। तो जैसा शेप पीछे दिख रहा है शेप वैसा ही रहेगा, डीप यू में ही रहेगा, सिर्फ इसको थोड़ा थोड़ा सा कट करूँगी जो अनइवन हेयर दिख रहा है उसको। और सेटिंग आप अपनी क्लाइंट की हिसाब से या अपने हिसाब से आप कर सकते हो, जैसे उनको पसंद हो। किसी को जो है लेयर वाला जैसे लेजर सेटिंग होती है बराबर में वो अच्छा लगता है, और किसी को आउट कर्ल्स, तो इनको आउट कर्ल्स चाहिए, तो मैं जो है ब्रश की हेल्प से आज करने वाली हूँ, और इस टाइप का वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग चैनल पर चेक करना तो ज़रूर वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर रोल सेटिंग भी आप कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो। क्योंकि सेटिंग क्या होता है कि सबको अपने अपने हिसाब से करवानी होती है, किसी को आउट कर्ल्स चाहिए रहते हैं, किसी को इनसाइड चाहिए रहता है, तो इनको आउट चाहिए तो मैं ब्रश की हेल्प से ही आज करने वाली हूँ। तो ये है इनके हेयर कट का फाइनल लुक, आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लगा। तो ये देखिए कितना प्यारा लुक आ गया है, और सेटिंग की वीडियो मैंने बहुत सारी डाली हुई हैं अलग अलग, तो वो आप देख सकते हो।
तो साथ ही साथ मैं आपको कोम करके भी दिखा दे रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो रोल जो है वो ओपन होने के बाद में कुछ ऐसा लुक आया है इनका। तो देखिए जितना नीचे से खराब हेयर था वो कट हो गया है और कितना सुंदर पीछे से शेप आ गया है ये देखिए। तो इसमें एक क्लच करें या पोनी बना लें बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए पूरा लुक आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ सके कटिंग का लुक। तो ये देखिए थोड़े से बालों को उठा के अगर ये क्लच करेंगी ना तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा पूरा निकल के। तो आई होप कि आज का जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे। और यही चीज़ मैं आप सबको हमेशा बताती हूँ कि बहुत अलग अलग टाइप के हेयर होते हैं, क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वालिटी पे ना हेयर कट भी हमें अलग अलग तरीके से करके देना होता है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग इतना अच्छे से हेयर कट सीखो कि कैसा भी हेयर आपके पास आ जाए आप तुरंत उसमें अच्छे से अच्छा कटिंग करके दे पाओ। तो ये देखिए कितना सुंदर लुक दिखने लगा है, वाओ। पर आप लोग बताना कि आप सबको कैसा लगा। तो ये देखिए साथ ही साथ मैंने यहाँ पे पिक भी लगा दिए तो आप लोग पिक में भी देख सकते हैं, वीडियो में तो देख ही लिया है। तो कर्ली हेयर पे ना इतना स्टेप्स इनफ होता है, इतना स्टेप्स ही अच्छा लगता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो ढेर सारा लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आप सबको एक प्यारी सी अच्छी सी नई वीडियो के साथ में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।